प्रधानमंत्री उदय योजना के तहत दिल्ली के कई अनाधिकृत कॉलोनियों को केंद्र सरकार के द्वारा मालिकाना हक दिया गया था, तो वहीं कुछ अनाधिकृत कॉलोनियां पीएम उदय योजना के दायरे में नहीं आई थी, जिसकी वजह से उन्हें मालिकाना हक नहीं मिला था। इसी कड़ी में दक्षिणी दिल्ली के 69 अनाधिकृत कॉलोनी के अध्यक्ष रमन अग्रवाल के नेतृत्व में हजारों की संख्या में आज शांति मार्च निकाला गया। वहीं इस दौरान लोगों ने कॉलोनी को पास करने और मालिकाना हक देने की मांग करते हुए नारे भी लगाए हैं। आपको बताते चलें कि दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर इलाके में 3000 से भी ज्यादा की संख्या में 69 अनाधिकृत कॉलोनियों के लोग अपने अपने मालिकाना हक के लिए पहुंचे हैं और इस दौरान तकरीबन 3 किलोमीटर का लंबा पैदल मार्च भी निकाला। आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला नंदा से 100 फुट तक और यही मांगे के कॉलोनी पास हो और नहीं हुआ तो जवाब देगी जनता। जनता जवाब देगी, हाहाकार मचा देगी। किससे बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री से। उम्मीद है आपको? कोशिश तो है, उम्मीद तो करते पूरी पूरी में। हर बार राइट है वोट करने का। हाँ बस इंदर सिंह दैया, मैं 32 कॉलोनी हमारे साथ पास कर दी गई और हमारी 69 कॉलोनी को पास नहीं किया, जो कि 69 कॉलोनी का और 1731 कॉलोनी का सेम स्टेटस है, सेम पोजीशन है, कोई डिफरेंस नहीं। ये एक दूसरे में भेदभाव किया गया है, एफुलेंट वर्ड किया गया कि एफुलेंट साहूकारों। भेदभाव किसने किया आपके साथ? ये आपस में उसने ही किया कि जिसने यहाँ के एम्प्लॉइज ने हमारी लिस्ट आगे जाके ठीक से नहीं भेजी, इसका प्रॉपर सर्वे दोबारा कराया जाए। और ये एफुलेंट कॉलोनी नहीं है, साहूकारों का कोई एफुलेंट वर्ड ही गलत है। सबको अगर है तो जो भी जोड़ करके ये मकान बनाए। हम राजा से ये यकीन नहीं करते, वो छोटा बड़ा गरीब अमीर नहीं मान सकता। अगर इन कॉलोनियों को तोड़ा जाता है तो कितना परिवार बर्बाद होगा, कितना परिवार? इसमें तो गिनती नहीं है, लाखों को लेकर। इस मामले को लेकर हमारा ये है कि आज का जो कैंडल मार्च है ये सरकार के विरोध में नहीं है। हम सरकार सब मोदी साहब तक जो है आवाज़ अपने पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ सुनिए और जिससे कि हमारी जो कॉलोनियों को पास किया जाए और हमारे साथ सौतेला व्यवहार जो है उसे न किया जाए, क्योंकि हमारे अंदर इस टाइप का रोष है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। कौन है वो अधिकारी जो सौतेला व्यवहार? एक्चुअली क्या है कि ये DDA द्वारा जो है सर्वे किया गया और हमारी कॉलोनी का ओपोनेंट बनाया गया, वो बहुत ही गलत तरीके से सर्वे किया गया है। हम अधिकारियों पर नहीं लगाते, लेकिन ये DDA का जो जिस तरीके का इन्होंने जो सर्वे किया है वो बहुत गलत किया। हमारा सर्कल रेट और जो 1731 कॉलोनी का सर्कल रेट एक जैसा है, सर्कल रेट में कोई फर्क नहीं है, डेवलपमेंट में कोई फर्क नहीं है। हमारा डेवलपमेंट ऐसा तो नहीं कि हमारे को यहाँ कोई स्पेशल चीज मिली हो, जहाँ तक लैंड का मार्केट रेट है उनका मार्केट रेट और हमारा मार्केट रेट। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आने वाले वक्त में क्या होगा? NBCN न्यूज के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।